चलिए हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंस बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द जेड ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है उसको देख सकते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने जो रिलेशनशिप देखा था वो बिटवीन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने एक रिलेशन देखा था। अब यहाँ पे आपका जो डिफरेंस देखना है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म के बीच में है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मला होता है ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है, वहीं जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मला आपका क्या होता है एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन होता है। आपको लाप्लास मालूम है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, दैट इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स का यूज होता है। वहीं जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स का यूज होता है। इसमें जो होता है आपका जो टाइम डोमेन होता है वो ट्रांसफर इनटू द एस डोमेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एस है तो जो टाइम डोमेन वो ट्रांसफर होता है एस डोमेन, वहीं इसमें जो टाइम डोमेन ट्रांसफर होता है उसमें जेड डोमेन में होता है। तो ये थोड़ा सा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म में थोड़े बेसिक फर्क हो गए। अब अगर आपका देखते हैं कि अगर आपका फॉर्मूला होता है इसमें एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है, अगर एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा और सिग्मा की वैल्यू जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी हो जाएगी। और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू जीरो हो तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म में। वहीं हम बात करते हैं अगर आपके जेड ट्रांसफॉर्म में, तो जेड ट्रांसफॉर्म में अगर जेड आर की वैल्यू आपकी वन होती है, आर की वैल्यू आपकी वन होती है देन इट इज कन्वर्टेड टू द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऊपर भी देख सकते हैं दैट इज जैसे ही आपने आर की वैल्यू वन की तो ये जो इक्वेशन आपका निकल के आया ये आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का, डिस्क्रीट टाइम फोरियर डीटीएफटी का। तो आपने कुछ ये चीज़ देख ली कन्वोल्यूशन का, मैंने आपको बताया कि टाइम डोमेन जो होता है टाइम डोमेन में टाइम एंड डोमेन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में देन इट इज़ मल्टीप्लीकेशन होता है इन एस डोमेन, वही सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन होता है जेड डोमेन में भी आपका। लास्ट है आपका आर ओ सी जो होता है एक्स ऑफ एस जो होता है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस इन द एस प्लेन। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो आप देख सकते हैं ये आपकी ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और इसके पैरेलल आप क्या करते हो एक स्ट्रिप लाइन खींचते हो विच इज पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस। ये आपकी एक पैरेलल लाइन है जे ओमेगा एक्सिस के पैरेलल में है। सो आर ओ सी जो होता है एक्स ऑफ एस में दैट इज एस प्लेन में कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिप्स पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस इन द एस प्लेन, तो ये जे ओमेगा एक्सिस के कंक्लूड करता है। वहीं अगर हम जेड प्लेन की बात करते हैं तो जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है आपको सर्कल के जरिए होता है, दैट इज आपका देयर विल बी द सर्कल, फिर सर्कल की जो आपकी आर इक्वल टू वन वैल्यू होती है। और हम इसमें बात करते हैं अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में राइट हैंडेड सिग्नल की, तो जो आर ओ सी है राइट हैंडेड सिग्नल दैट इज इधर की जो सिग्नल है ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो आर ओ सी जो लाइट करती है टू द राइट ऑफ द जी ओमेगा एक्सिस, ऑब्वियसली जी ओमेगा एक्सिस के क्या होगा राइट साइड में होगा। तो अगर कोई राइट साइडेड सिग्नल है तो आर इस जी ओमेगा एक्सिस के क्या होगा राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। वहीं अगर राइट हैंडेड सिक्वेंस है तो इसमें अगर राइट साइडेड सिग्नल क्या है बाहर की ओर है राइट साइड में है, तो इसमें दैट इज आपके जेड ट्रांसफॉर्म में इफ इट इज द राइट हैंडेड सिग्नल होता है तो क्या होता है आपके सर्कल के वो बाहर होता है दैट इज आर ग्रेटर देन वन में होता है। ठीक है, तो एक बार आप ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा इनको कि ये कैसे कैसे हैं और डिफरेंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप चीज़ें को विजुलाइज कर सकें। अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है और आपके जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, तो बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू बी कंसेंट्रेट एंड दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअली भी क्या होता है कि एक्स ऑफ जेड आपका जेड की जिन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज होता है, फिर से बताता हूँ एक्स ऑफ जेड जेड की जिन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज होता है उसे ही हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और दैट इज एक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, कन्वर्ज हो रहा है इसका मतलब एक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, दैट इज मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीशन एन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन मॉड की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन इनफाइनाइट, देन वी से दैट जो आपका एक्स ऑफ जेड है वो क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है। सो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। नाउ देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द आर ओ सी दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। ना तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ सी में देख सकते हैं कि जो आर ओ सी होता है जेड ट्रांसफॉर्म वो बाउंडेड होता है अगर इट्स लोकेशन ऑफ इट्स पोल्स इज बाउंडेड,
दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर कोई जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स यू एफ एन की, जिसकी वैल्यू हो रही है जेड अपॉन जेड माइनस वन, तो जो डिनोमिनेटर ऊपर की वैल्यू होती है ऊपर की वैल्यू को आप क्या कहते हैं, दैट इज जीरो कहते हैं, दैट इज जीरोज। इसके पास जो जीरोज है उसकी वैल्यू क्या है, जेड इक्वल टू जीरो है, जेड इक्वल टू जीरो है। वहीं हम नीचे दैट इज न्यूमरेटर की बात करें तो देख सकते हैं दैट इज ये न्यूमरेटर जो होता है ये आपको जीरोज देता है, दैट इज अगर इसकी वैल्यू है तो ये दैट इज गिव्स न्यूमरेटर विल गिव यू जीरो, दैट इज जेड इक्वल टू जीरो। और वहीं हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, नीचे जो आपका होता है डिनोमिनेटर होता है दैट इज जेड इक्वल टू वन, इट गिव्स यू पोल्स, सो दिस विल गिव यू पोल एंड दिस विल गिव यू जीरोज। तो हमने देखा कि जो दरअसल जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो बाउंडेड तभी होता है बाय द लोकेशन ऑफ इट्स पोल्स होता है। तो इस लोकेशन पोल की लोकेशन क्या है, जेड इक्वल टू वन। देयरफॉर अगर हम आर ओ सी का देखें, आर ओ सी भी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आर ओ सी कैसे कैलकुलेट होती है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर इसमें हम देखें तो वो मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन वन एंड एक्सटेंडिंग ऑल द वे टू इन्फाइनाइट। तो अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या हो जाएगा, वन से इन्फाइनाइट की ओर अपना अग्रसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप जेड ट्रांसफॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई अ सर्किल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेड प्लेन की। तो z इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर ई टू द पावर जे ओमेगा, वेयर आर इक्वल टू वन लेने पे आपकी क्या होती है, ये सर्किल फॉर्म होती है। आर इक्वल टू वन पे ये सर्किल फॉर्म होती है, आपकी वैल्यू इसमें क्या होती है, दैट इज आर इक्वल टू वन हो सकता है, दैट इज पोल्स हो गए, दैट इज z इक्वल टू वन, सॉरी पोल्स एट z इक्वल टू वन पे होते हैं, देन जीरो एट z इक्वल टू जीरो पे आपका हो गया, एंड this is your unit circle, this is your unit circle and this whole defined as the reason of convergence, where you will find that on x axis there is a real part and at y axis there is a imaginary part of the z transform. So this is called also known as the pole zero plot and the ROC of the unit step response. तो इसे जीरो पोल जीरो प्लॉट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोल्स एंड जीरोज होते हैं आपके, ठीक है, उनको एक जगह प्लॉट किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं कि x ऑफ z जो है वो कन्वर्ज होगा यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ जो आपका x ऑफ z है इट इंक्लूड्स द यूनिट सर्किल। तो x ऑफ z कन्वर्ज तभी होगा जब इट इंक्लूड्स द यूनिट सर्किल z प्लेन। नाउ इफ विल टॉक अबाउट द ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल, अगर ROC जो है उसके पास कोई भी पोल्स नहीं है, बिकॉज इफ अ पोल एग्जिस्ट द x of z जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी इनफाइनाइट एंड डज नॉट कन्वर्ज। तो पहली चीज़ होती है कि जो ROC होगा वो आपका कोई भी पोल कंटेन नहीं करता है। तो कंटेन क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर वो कंटेन करेगा, अगर पोल एग्जिस्ट होंगे, अगर आपके पोल्स एग्जिस्ट होंगे देन इट विल बी इनफाइनाइट एंड डज नॉट कन्वर्ज। तो वैल्यू क्या आपकी ROC कन्वर्ज नहीं होगी। लास्ट है आपका, अगर x ऑफ n इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन then the ROC is the entire z plane exceeding except possible z equal to 0 or z equal to infinite। और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें कि x of n अगर राइट साइडेड सिक्वेंस है, तो राइट साइडेड सिक्वेंस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो राइट साइडेड अगर सिक्वेंस है जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था, तो लाइट इफ द x of n इज अ राइट साइडेड सिक्वेंस देन ROC will be outside of the circle हो जाएगी, that is greater than 1 हो जाएगी, तो right sided signal में। और if अगर आपका left sided sequence है then value क्या हो जाएगी, आपकी circle के अंदर हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं अगर right sided में आपका circle के बाहर हो गया, आप इसको compare कर सकते हैं इससे भी, that is अगर आपका ये है, that is अगर आपका right sided जैसी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, तो उसी तरह सर्किल में क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। राइट साइडेड में सर्किल में आपके क्या हो जाएगा, राइट साइड के बाहर की ओर, दैट इज आर जेड इक्वल टू वन के बाहर की ओर हो जाएगा। वहीं सॉरी आर इक्वल टू वन के बाहर की ओर हो जाएगा। वहीं अगर आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है देन वो क्या हो जाएगा, आपके सर्किल के अंदर हो जाएगा। एंड अगर आपका जो इक्वेशन दिया वो टू साइडेड सिक्वेंस है देन वो आपका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी आपकी जो ये सर्किल्स रहेगा बाहर से और अंदर से दोनों से क्या हो जाएगा, आपको जो सर्किल रहेगा उसको आपको क्रॉस कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा सर्किल जो हो रहा है वो आपका क्रॉस हो जा रहा है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द ROC, दैट इज लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड एंड
टू साइडेड सीक्वेंस में। तो यहाँ कुछ सिग्नल्स दिए हुए हैं और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन किया गया है। तो अगर आपका सिग्नल जो है कॉजल सिग्नल है, कॉजल सीक्वेंस के लिए मैंने बताया कि n लेस देन जीरो के लिए x ऑफ n की वैल्यू आपकी होती है, क्या होती है आपकी, x ऑफ n की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है जीरो। तो n लेस देन जीरो के लिए x ऑफ n की वैल्यू क्या होती है जीरो, देन इट इज डिफाइन एज द कॉजल सीक्वेंस। तो ये आपका क्या है कॉजल सीक्वेंस, दैट इज n ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ऐसा सिग्नल है देन उसका जो ROC होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा z प्लेन होता है एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो। तो z इक्वल टू जीरो को छोड़ के पूरा का पूरा जो z प्लेन होता है वो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। वहीं अगर हम एंटी कॉजल की बात करते हैं, दैट इज n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए x ऑफ n की वैल्यू जीरो हो, दैट इज आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल एंटी कॉजल के लिए, देन इंटायर जेड प्लेन इज द ROC बट एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। थोड़ा सा ये आपका उल्टा हो जाएगा, दैट इज इसमें जेड इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट हो जाएगा और इसमें हो जाएगा जेड इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा आपका ROC, तो एंटी कॉजल के लिए। और वहीं आपका टू साइडेड सिग्नल है, दैट इज दोनों के दोनों आपके आ रहे हैं, देन उसका ROC जो होता है वो पूरा का पूरा जेड प्लेन हो जाएगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो z इक्वल टू इनफाइनाइट और z इक्वल टू जीरो को छोड़ के इंटायर z प्लेन इज द ROC। वही हम कुछ इनफाइनाइट ड्यूरेशन कॉल्स के लिए अगर देखें तो उनके लिए भी ऐसे डिफाइन होगा, बट दिस इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, योर प्रीवियस वंस।